नमस्कार साथियों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं गणेश मुद्रा। आज हम गणेश मुद्रा का अभ्यास करेंगे और उसे से होने वाले लाभ के बारे में भी जानेंगे। हमारे यहाँ प्राचीन समय से ध्यान और योग मुद्रा की परंपरा है। इनमें से ही एक है गणेश मुद्रा। गणेश मुद्रा हस्त मुद्राओं में सर्वश्रेष्ठ मुद्रा है। इससे कई प्रकार की बीमारियां दूर होती है, त्वचा में निखार लाता है और साथ ही स्मरण शक्ति को भी बढ़ाता है। इस मुद्रा का अभ्यास करने से आपका पेट का पाचन तंत्र मजबूत होता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा बनता है, स्मरण शक्ति बढ़ती है और सीखने में दिलचस्पी आती है। इस मुद्रा से मांसपेशियां मजबूत होती है, चिंता तनाव जैसे मानसिक बीमारियों को दूर करता है। इस मुद्रा के अभ्यास से डाउन सिंड्रोम, डिस्लेक्सिया और अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर से भी छुटकारा मिलता है। गणेश मुद्रा किस तरह से किया जाता है? तो सबसे पहले आपको पद्मासन की अवस्था में बैठना है या इस तरह से अर्ध पद्मासन की अवस्था में भी आप कर सकते हैं। आपको अपने दोनों हाथों को खोल लेना है। इसके बाद में इस तरह से दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे को इस तरह से जकड़ लेंगे, इस तरह से पकड़ना है और उसके बाद में अंगूठे को इस तरह से रख देना है। इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से आपको रखना है। इस तरह से यह हो गई गणेश मुद्रा। उंगलियों को ज्यादा खींचना नहीं है, इस तरह से सिर्फ पकड़ के रखना है। ऐसे हृदय चक्र के पास पकड़ के रखना है और 3 मिनट से लेके 15 मिनट तक आप इसका ध्यान कर सकते हैं। इस तरह से आपको ध्यान में बैठना है। तो इस तरह से ये क्रिया की जाती है। तो आप भी इस गणेश मुद्रा का अभ्यास कीजिए और अपनी त्वचा में निखार लाइए, स्मरण शक्ति को बढ़ाइए और भी कई प्रकार की बीमारियों को दूर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।